नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं भारत कोठियाल। सरकार स्वच्छता अभियान को लेकर भले ही कितने बड़े बड़े दावे करे, लेकिन जमीनी हकीकत हमेशा इन दावों को खोखला साबित करती है। ऐसा ही एक नज़ारा उत्तराखंड के उधमसिंह नगर जिले के खटीमा नगर के बीचों बीच बह रहे खाखरा और ऐठा नालों में। लंबे समय से शहर का कचरा जमा होने के बाद नाले पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। आचार संहिता का हवाला दे स्थानीय नगर पालिका मौन बैठा है। वहीं गंदे नालों के चलते नगर में महामारी फैलने का खतरा बना हुआ है। खटीमा शहर के बीचों बीच बह रहे ऐठा और खकरा नाले, जहां शहर की गंदगी का निकासीकरण होता है, वहीं बरसात का पानी भी इस नाले से बहकर आगे जाता है। परंतु इन नालों में जमा कचरे का आलम यह है कि इस नालों की चौड़ाई जहां पहले लगभग 50 से 60 मीटर थी, वहीं अब ये नाले नालियों में तब्दील हो चुके हैं। इसका कारण है शहर का वो कचरा जो इन नालों में डाला जाता है। स्थानीय नगर पालिका की लापरवाही के चलते लंबे समय से नालों में जमा हो रहे कचरे के कारण ये नाला अपना वास्तविक आकार खो चुके हैं। वहीं गर्मी के इस मौसम में नगर के नालों में फैली ये गंदगी महामारियों को न्योता देती नज़र आ रही है। नाले में गंदगी बहुत ज़्यादा होने की वजह से बहुत बीमारियां फैल रही हैं और शहर के लोगों का जीना दुभर हुआ पड़ा है। तो मेरा ही तो यही कहना है कि इसकी तरफ जल्दी जल्दी ध्यान दिया जाए और इसकी सफाई व्यवस्था की जाए। वहीं इस बारे में पूछे जाने पर नगर पालिका ईओ कमला पांडे आचार संहिता लगे होने के चलते नए टेंडर ना होने की बात कह रही हैं। जो है हमेशा मई में जो है कराई जाती है, इसे ठेके होते हैं क्योंकि नाले बड़े हैं और इस बार जो है आचार संहिता के चलते हुए वहाँ ठेके हो नहीं पाए हैं। जैसे ही आचार संहिता खत्म होती है, मेरे द्वारा ठेके करा करके सफाई करवा दी जाएगी। फिलहाल भी मैं थोड़ी बहुत जो लिंक रोडों के नाले हैं उन नालों में हमारी सफाई कंटिन्यू चल रही है। खबरों में आगे, जहां एक और भारत सरकार बेटियों को बचाने के लिए कई अभियान चला रही है, वहीं सितारगंज के शक्ति फार्म के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी सरकार के इस मिशन पर ठप्पा लगाते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सितारगंज के शक्ति फार्म क्षेत्र में नवजात नन्नी परी को 2 ANM पर मारने का आरोप लगाया है। नवजात शिशु के पिता सुरेश आलमान ने चौकी में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराने की गुहार लगाई है। शक्ति फार्म के गुरुग्राम क्षेत्र में रहने वाले सुरेश आलमान रविवार को अपनी गर्भवती पत्नी ज्योत्साना को लेकर शक्तिगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा था, जिसके बाद वहां मौजूद 2 ANM दीपा मंडल और लक्ष्मी बैरागी ने ज्योत्साना की डिलीवरी कराई। उसके बाद रविवार को ही लगभग शाम 5 बजे ज्योत्साना के पति सुरेश आलमान से ANM ने जच्चा बच्चा ठीक है और घर ले जाने की बात कही। सुरेश आलमान अपनी पत्नी और अपने बच्चे को लेकर घर भी चला गया। सोमवार को सुबह आलमान अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर पुनः सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा, लेकिन थोड़ी देर बाद ही दोनों ANM ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। ये खबर सुनकर बच्चे के पिता सुरेश आलमान और दादा बिखर गए। उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं पर बच्चे को मारने का आरोप लगाया। नवजात के परिजनों ने ये बताया कि जब रविवार को वो जच्चा बच्चा को लेकर घर गए थे तो उस वक्त बच्चे की पीठ पर लाल निशान पड़े थे। देखने में ऐसा लग रहा था कि बच्चे को पीटा गया है, जिस वजह से बच्चा रात भर परेशान रहा था, जिसके बाद सुबह हम दोबारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाए। थोड़ी देर के बाद दोनों आशा कार्यकर्ताओं ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। यहाँ भर्ती कर दिया 4:30 बजे, 5 बजे तक हमारा नाती हुआ और उसके बाद जो है हम लोग नाती होने के बाद कह रहे तुम बाहर ले जाओ, घर ले जाओ। हाँ, तो हमने हमारा गाड़ी था नहीं, हम 7:30-8 बजे तक हम यहाँ से ले गए। बच्चे को पीट रहा था तो मैंने सोचा क्या पता टेबल में मार तो नहीं रहे, तो आवाज़ आ रहा था, थोड़ा चढ़ थोड़ा आवाज़ आ रहा था। हाँ, कौन मार रहा था? तो डिलीवरी हुआ जो नास जो है उन लोगों ने मारा, लक्ष्मी और दीपा। तो हम न्याय चाहते हैं, जैसे हमारा न्याय मिले। नवजात बच्चे के पिता सुरेश आलमान की तरफ से शक्ति फार्म चौकी में दोनों ANM के खिलाफ बच्चों को मारने की तहरीर दी गई है। वहीं बच्चे के परिजनों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं इस हॉस्पिटल में आए दिन होती रहती हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती है। उधर आशा कार्यकर्ता लक्ष्मी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि बच्चे के कम रोने की वजह से बच्चे को सिर्फ थपथपाया गया था। कल हमारे यहाँ पे वो आई थी, सुबह आते उनकी डिलीवरी हो गई थी
बच्चा उस टाइम ठीक था, माँ भी ठीक थी, हमने उनको छुट्टी करा दी थी उनके कहने पे कि हमारे घर में पूजा है, वो घर लेके चले गए थे। उसके बाद वो आ जाते हैं आरोप लेते हैं, बच्चे डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। बच्चा एक्सटर्नली तो बिल्कुल ठीक था, रो रहा था, पिंक कलर का भी हो गया था, हमारे अनुसार बिल्कुल ठीक था। बच्चा जब हुआ था तो बच्चा रोया थोड़ा कम था, तो उसके सास में मतलब कि पानी वानी हुआ था जो बच्चे के पेट में से था, तो उसको हमने थपथपाया था, फिर उसका वजन किया था, फिर हमने उसको सक्शन मशीन से गंदगी को बाहर निकाल दिया था। बच्चे को थपाया गया नहीं किया था। अच्छा, मेरे द्वारा यहाँ पे कोई भी केस नहीं हुआ है। वहीं दूसरी तरफ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी विनय यादव का कहना है कि डिलीवरी के वक्त बच्चों को रुलाने के लिए थपथपाया जाता है जिससे निशान आ जाते हैं। ये एक नवजात शिशु है जिसकी आज सुबह मृत्यु हो गई। जब वो अस्पताल में आए थे तो वो मृत थे। कल वो बच्चा हमारे यहाँ ही उसकी डिलीवरी हुई सुबह 4:57। डिलीवरी हमारी 2 NM है, उन लोगों ने डिलीवरी कराई, बच्चा सही सलामत था, यहाँ से दूध पिया भी। उसके बाद परिजन अपनी इच्छा से इसको यहाँ से लेके चले गए करीब 1-1.5 घंटे। आज सुबह जब लाए तो फिर उन्होंने ये आरोप लगाया कि इनको कल के बच्चे को इनको जो है इन्होंने काफ़ी कस के थपकी लगाई, उसके निशान छप गए और इसी वजह से बच्चे की मौत हो गई। तरह की कोई घटनाओं का संज्ञान मेरे पास तो नहीं है, लेकिन हाँ अस्पताल है तो कई बार जो है दुखद घटना हो जाती है, पर उसमें अभी तक लापरवाही सामने नहीं आई। उधर इस मामले पर पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही आगे कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये सुरेश सलमान नाम के व्यक्ति की बच्ची है जो कल ही इसने जन्म लिया था यहाँ PSC शक्ति फार्म में, और उसकी जो है आज घर पर मृत्यु हो गई, जिसके बाद शव को परिजनों द्वारा यहाँ अस्पताल में लाया गया। हमारे पुलिस के द्वारा इसमें पंचायतनामे की कार्रवाई कर दी गई, बाद PM जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी अमल में लाई जाएगी। उधम सिंह नगर से शाहनूर की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए समाचार इंडिया के साथ, खबर से लेकर असर तक। नमस्कार।